हाय, आज हम बनाने जा रहे हैं फ्रोजन में आईटीसी मास्टर शेफ का वेजी पिज्जा पॉकेट्स। यस, और ये रेडी टू कुक है। आप ये देख सकते हैं 100% वेज प्रोडक्ट है, इजी टू कुक। आप इसको या तो एयर फ्राई कर सकते हैं या डीप फ्राई कर सकते हैं। अगर डाइट कॉन्शियस है तो आप एयर फ्राई कर सकते हैं। मैं आपको डीप फ्राई करके दिखाने वाली हूँ। ये 100% वेज प्रोडक्ट है, इसके अंदर विथ रियल चीज एंड वेजीज। तो इसके अंदर वेजीज बनी हुई है एंड रियल चीज है। तो आप सबने मैकडी का मैक पिज्जा पॉक तो जरूर खाया होगा। तो ये ऑलमोस्ट मेरे अकॉर्डिंग तो वैसा ही लगने वाला है। अब इसको फ्राई करेंगे तब पता लगेगा। इस पैकेट की जो ग्रामेज है 340 ग्राम है एंड इसकी जो एमआरपी है 190 रुपीज है। तो अब इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या निकलता है। और आपको पता होगा कि जो भी फ्रोजन आइटम्स होते हैं आपको फ्रीजर में रखने होते हैं, डीप फ्रीज करने होते हैं, एक मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर होता है उसका, तो वो करना होता है। तो इसकी पैकिंग देखिए आप, इसकी पैकिंग काफी प्रीमियम है। 190 रुपीज का पैकेट है और इसमें आपको ये निकले हैं 9 पीसेस निकले हुए हैं। ये 190 रुपीज में 9 पीसेस हैं, तो अप्रॉक्स कॉस्ट आपको पड़ गया 1 पीस का 21 रुपीज। अगर आप मैकडी का पिज्जा पफ खाते हैं तो वो अप्रॉक्स आपको 40 रुपीज का पड़ता है। तो ये 21 रुपीज का है, तो अप्रॉक्स सेम कॉस्ट है, बिकॉज उसका साइज भी बड़ा होता है, ऑलमोस्ट डबल के बराबर होता है इसके, तो 40 रुपीज का हो गया। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। इसको फ्राई होने में 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद ये फ्राई हो जाएगा। तो ये हमारा फ्राई हो चुका है, मैं इसको निकाल रही हूँ। तो ये हमारे वेजी पॉकेट्स अब रेडी हो चुके हैं। तो अब इसको खा के देखते हैं कि ये कैसा है। वाओ, इसकी फिलिंग देखिए, इतनी बढ़िया लग रही है, बिल्कुल मैक वेज पफ की तरह लग रही है जो मैकडी का आता है। अब मैं खा के बताती हूँ। टोटली वही टेस्ट है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है और इतने अच्छे तरीके से ये फिल्ड है। वाओ, बस इसमें एक कमी रह गई है, जो अंदर की इसकी फिलिंग है। जैसे मैंने फ्राई किया तो अंदर की फिलिंग जो है इतनी गर्म नहीं हुई है, स्टिल अभी भी ठंडी है। तो इसको आई गेस आप थोड़ा स्लो कुक करिए, स्लो फ्राई करिए, बहुत तेज फ्लेम पे फ्राई मत करिए, थोड़ा स्लो फ्राई करिए। तो मे बी अंदर की भी जो फिलिंग है अच्छे से गर्म हो जाएगी। अंदर की फिलिंग अभी भी थोड़ी सी ठंडी है, बट बहुत टेस्टी है। तो इसको आप जरूर ट्राई कीजिए, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। दैट्स ऑल, थैंक्स, बाय बाय।